अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाजी के रिसेप्शन में और हम जा रहे हैं दिल्ली टू देहरादून। ये रहे शेल। वो रिसेप्शन पे जो जा रहे हैं बाजी को लेने के लिए, तो हम लोग तीन गाड़ियों में जा रहे हैं और उसमें फुल गाड़ियाँ हो रही हैं हमारी, और फिर वहाँ से बाजी को लेकर आ जाएंगे। सलमान भाई आएंगे, रसम होगी, उसके बाद वो घर जैसे ओपन हो जाता है दूल्हा के लिए, वो वाली जो रसम होगी वो बाद में होगी, लेकिन अभी हम बाजी को लेकर आ जाएंगे। हम रुके हैं पेट्रोल के लिए और बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में गए तो मैंने घर से शूट नहीं करा। अब जो भी ट्रेवल का होगा वो मैं पूरा शूट करने वाली हूँ, और उसके बाद जो हम वहाँ पर जाकर जो भी हमारा रिसेप्शन का रहेगा वहाँ का भी शूट करेंगे। हमारी गाड़ी में बैठे हैं छोटे छोटे से बच्चे। तो गाइस, एक दिक्कत हो गई है हमारे साथ थोड़ी सी। क्या दिक्कत ये है? मैं गलती से जाकिर भाई की गाड़ी के अंदर गोश्त ले आया था। ऐसा मानो कि इसके अंदर हमने 4-5 चूहे मार दिए हो। इतनी बुरी बदबू में चिकन ले आया था। ये मेरी बहनों की शक्लें देख लें आप एक बार, ये सब मुझे उल्टा सीधा बोल रही है। ये देखिए, और बस मेरा चीजा ही अच्छे ने मुझे कुछ नहीं करे। बेटे तेरी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे और प्यार किया मेरी चीजा ने। बेटे सही हुआ तूने मेरी औरतों के साथ ऐसा कर दिया। तो क्या कहना चाहोगे बच्चे, कैसा फील कर रहे हो आप लोग? जीजा पे तूने हाथ रख रखा। देखो जीजा से मुझे मोहब्बत है माशाल्लाह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अभी रुक जा, मेरा डीजल भर रहा है। एक गाड़ी हमारी वो खड़ी, एक गाड़ी हमारी ये रही, और एक गाड़ी खड़ी वो वहाँ पर। तो दिल्ली टू देहरादून जो है वो 240 किलोमीटर दूर है। 240 किलोमीटर दूर है। हम लोग यहाँ से निकले हैं 6 बजे, और अब देखते हैं यहाँ से कितने देर में हम पहुँचते हैं देहरादून। जाते में भी सब शूट करेंगे और वहाँ जाकर भी आपको सारी चीजें दिखाएंगे, आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो हो रहा है 11 डिग्री सेल्सियस, और अभी देहरादून का शायद इससे ज्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर और ठंड है। तो वहाँ जाकर अभी देखेंगे कि वहाँ पर कितना ज्यादा ठंड है, फॉग भी होगा रास्ते में, और अभी जाने वाले हैं हम पहाड़ों के बीच में फुल, तो बहुत मजा आने वाला है। इसे कुछ नहीं दिख रहा, चलो बोलना बोलना। इसे कुछ नहीं दिख रहा, इसका चश्मा इतना कितना गहरा लगा। अब दिखाई से भाई की गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही थी, इस वजह से हमने एक फ्रेग्रेंस की बॉटल भाई को दी है। अभी देखते हैं उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। कर दो आगे पीछे कर लो इसे। हाँ, आराम है ना। बाबा जी की मूर्ति है भाई, जो उसे सूंघेगा ना वो अमर हो जाएगा। अमर बेहोश तो नहीं होगा दुश्मनी। भाई यूं कह रहे बेहोश तो नहीं होगा ना, हम ऊपर ही निकल ले। हमने उन लोगों को फ्रेग्रेंस दी है, उनके चेहरे की उन लोगों के चेहरे की खुशियाँ देखो। नशे का पदार्थ तो नहीं दिया ये हमें? नहीं नहीं, अच्छी चीज दी है, कभी चित करवा दो यही। तो आप देख सकते हैं 6:30 हो रहे हैं सुबह के, और आप ये देखिए अभी तक भी रात हो रही है, प्रॉपर से दिन नहीं निकला। उधर की साइड देखो सब कितना अच्छा हो रहा है, पिंक माजी के कुत्ते पे। भाई गोली देखिए, बेचारे मेरे बच्चे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए बच्चे हाय करते हुए, और यहाँ पर हम लोग कुछ लेने के लिए उतरे हैं। क्या हाल है? और मेरे भाई और भाई आप तो भाई आप तो 10 साल छोटे लग रहे हैं, जैद से थोड़े से ही बड़े लग रहे हैं आप। देखिए ये है पापा बेटे और लग रहे हैं। अब देख सकते हैं हमें 1 घंटा हो गया निकले हुए, हम 6 बजे निकल गए थे और अभी हम पहुंचे यहाँ पे मेरठ। आप ना यहाँ पे ठंड देखिए, फॉग देखिए कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो जब हम दिल्ली में थे तो दिल्ली से अभी हम मेरठ वाले रोड पर हैं, तो दिल्ली में जब थे तो वहाँ का जो टेम्परेचर था वो 11 डिग्री सेल्सियस था, और अभी जो है मुझे लग रहा है और ज्यादा कम हो गया क्योंकि यहाँ पे आकर और ज्यादा ठंड लग रही है। तो यहाँ का जो वेदर है वो है 9 डिग्री सेल्सियस। गाड़ियाँ रुकी हुई है रास्ते में, काफिला रुका हुआ, ये देखिए इस काफिला। तो बच्चों कैसा फील कर रहे हो आप लोग? देखिए इस बेचारी को बहुत ज्यादा पीछे तक पहुँचा दिया है, ना इंसाफी हुई है इस बच्ची के साथ, मगर खैर सफर बहुत लंबा है। मिल बार देगा ना, शाबाश। समझदार बच्चे हैं, बच्चों को डरा डरा के लेके जा रहे हैं। तुमने एक चीज नोटिस करी? बच्चों की माया सुन लो,
गाइस मैं जागा हुआ था 66 आवर्स का, पूरे 66 घंटे जागा, आवाज भी बैठ गई इसी वजह से आपकी। सोया, सोने के बाद आपका अल्लाह भला करे, सोया कितने बजे, रात में सोया था 4 बजे, उठ गया पता है कितने बजे, उठ गया सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, 6 घंटे सोया सिर्फ, 66 घंटे जागने के बाद 6 घंटे सोया, 6 घंटे से 6 घंटे सोया, तब से अब तक भी नहीं सोया हूँ मैं। और मैं सुबह उठा था आपका 10-11 बजे करीब, अब लगा लो दोबारा वक्त घूम के आया, ठीक है अब 7 बज रहे, 10 बजे फिर अब दोबारा घूम रहा है, पूरा रात का नाइट का टाइम निकल गया, अब डे का हो गया, मॉर्निंग हो गई और ये अब 7 होने वाले, अब 10 बजेंगे, अब लगा लो 24 घंटे से ज्यादा फिर हो गए, 70 और 20 80 घंटे हो गए मुझे जागते हुए, 80 घंटे के अंदर सिर्फ मैं कितना सोया हूँ, ओनली 6 आवर्स। बट ये मेरे अल्लाह का रहमो करम है, ये मेरे मालिक का रहमो करम है कि उसने मेरे अंदर हिम्मत दी है, मैं चल रहा हूँ, वरना अल्लाह अगर नहीं चाहे ना तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। और बच्चों की माए देख लो, ये जो ये मामा है ना, ये बड़े जालिम मामा हो रहे हैं, बच्चों को कंस मामा हो रहे हैं, ये खुद बच्चों को ब्लैकमेल करके लेकर आए कि अगर कोई गाड़ी में कूड़ा करेगा तो इन्हें दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर देंगे। बच्चों सच सच बताना, मैं तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा हूँ तो अभी 3 घंटे और बाकी रह गए, 4 घंटे 2 मिनट ऑलमोस्ट दिखा रहा था घर की साइड से, वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट हॉल में भी नहीं जा सकते क्योंकि रेडी नहीं हो रखे हैं, तो वहाँ जाकर हमें लेना पड़ेगा पहले हॉल, उसके बाद वहाँ पर रेडी होंगे फिर जाएंगे जहाँ पर हमें जाना है रिसेप्शन पे, वहाँ वेदर हो रहा है 8 डिग्री और इन्होंने मिरर खोल रखे और पीछे बेचारे बच्चे देखिए ठंड के मारे सुकड़ रहे, मुझे लग रहा है ये पतले हो जाएंगे। लग रही है भूख है, 8 बजने वाले ऑलमोस्ट, रुके हैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए। देखिए यहाँ पर हर आपको आइटम मिलेगी, वेज नॉन वेज हर चीज है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा है ये, सारे फूड कॉर्नर्स है, बच्चे सेहत को बहुत परेशान कर रहे हैं जी, स्टैचू को ताली दे दी। ये देखिए क्या शूट करा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से आए हैं, ये पूरा खाली है अभी, कुछ भी ओपन नहीं है यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबी सीट हमें यही दिखी है, तो सारे बच्चों को यहाँ एडजस्ट करते हैं। ये हमने यहाँ पे खा पी लिया है और अब हम निकल रहे हैं वापस से अपनी डेस्टिनेशन पर जहाँ पर हमें जाना था, एटलीस्ट हम वहीं पर जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि पापा नहीं आए हमारे साथ क्योंकि पापा इतना ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो पापा के पास जो है एक बाजी रुकी है और अलीशबा रुकी है, बाकी सारे लोग जो हैं हमारे साथ। तो हमने जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना था वो कर लिया और अब हम फिर से निकल चुके हैं, और अभी मैं आपको बताती हूँ 9 बजने वाले हैं और ये भाई की गाड़ी में चले गए 2 बच्चे और 2 बच्चे हमारी गाड़ी में आ गए, क्योंकि ये सारे जब एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, इसलिए इनको हमने सेपरेट कर दिया थोड़ा सा। तो वेट कर रहे हैं भाई का, जब भाई आएंगे तब निकलेंगे यहाँ से, तो मुझे ना नींद आ रही है तो मैं तो सो रही हूँ, शेल बाहर खड़े होके वेट कर रहे हैं जैसे आप देख भी सकते हैं, अभी मैं तो सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। अच्छा नेट ही नहीं चल रहा है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं जाकिर भाई के आने का, इमरान भाई भी यहाँ खड़े हैं, भाभी भी बैठी हैं, फाइक है और जैद अंदर है और बाकी बच्चे वगैरह भी सब अंदर ही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो और व्यू कितना प्यारा आ रहा है, आप देख सकते हो व्यू तो चलो प्यारा है ही, बट बुरे भाई ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एक वीडियो बनाई है, ये वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए आपको इनके इंस्टा पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे अपना कुछ कैचअप वगैरह शायद कर रही है। क्या चल रहा है गाइस, यहाँ पे नूडल्स खाए जा रहे हैं आलू भाई, फुल मज़ेदार चिकन के, वो भी बच्चे पीछे अपनी चिल्लड़ पार्टी कर रहे हैं, इतना ठीक है। और भाभी भी परेशान हो गई हैं, भाभी कह रही थी मुझसे अभी कि इमरान बहुत ही हल्की गाड़ी चला रहे हैं, जबकि हम अपनी गाड़ी की स्पीड 150 करके इनको फॉलो कर रहे थे, फिर भी ये कह रही है कि हल्की चला रहे हैं,
इसमें हवाई जहाज के वो लगवा दें, ये बताओ आप इंजन जो इससे ज्यादा तेज तो नहीं चल सकती है, मिनी रॉकेट है ये। तो 10:30 बज चुके हैं और अभी हम जो है एंट्री कर रहे हैं पहाड़ों पर, आप देख सकते हैं पहाड़ों पर आ गए हम और आप देख सकते हैं 11 बज चुके हैं और अब हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि मैं ना अपना मुंह पूरा छुपा कर लेटी हूँ, बस आईज बंद करके, और शैल को नींद आ रही और आरिश के ऊपर सारे बच्चों का बोझ। हम लोग यहाँ पर रुके हैं, हमारे बच्चों ने कर दिए वॉमिट किए, हम जाने ही वाले थे और यहाँ पे लेट हुआ, गाड़ियाँ रुकी और ये देखो। बहुत बड़ी बननी, और उसके एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं है, उसको मैरिज हॉल में ले जाके क्लीन करके उसको नए कपड़े जब भी पहना देंगे। सूत्र का अनुसार बता लगाओ मेरे भाई साहब, सब बाहर उतर गए। इनके मामा देख लो, मामा वैसे शैल घबराते नहीं है इन चीजों से, मुझे एक बार को हो जाता है तो किसी को देखती हूँ ना वॉमिट करते हुए, मुझे वॉमिट का फील नहीं, मुझे वॉमिट ही आ जाती है। बच्चों के साथ ही बहुत ज्यादा परेशानी है लंबा ट्रेवल करने में, छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चे होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन छोटों के साथ बहुत परेशानी हो जाती है। तो फाइनली हम उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, 5 किलोमीटर और सरवाइव करना और मेरी आवाज भी जा चुकी है, और मसूरी थोड़ा सा ही ऊपर है यहाँ से, मन तो कर रहा है मसूरी से चली जाऊं। सामने ही पहाड़ है और बहुत ही ज्यादा प्यारा लोकेशन लग रहा है। शैल कैसा लग रहा है आपको? मैंने देहरादून में एंट्री कर ली है और हमें अभी रूम्स नहीं मिल रहे, इतने जगह चले गए। देखिए ये लोग बेचारे कितना वो कर रहे हैं कि कोई रूम मिल जाए, बट रूम नहीं मिल रहा है, तो नींद आ रही है, सर भी दुख रहा है, बस फंक्शन भी अटेंड करना है क्योंकि गाड़ी में तो रेडी होंगे नहीं, तो रूम बस हमें 1 घंटे के लिए भी नहीं चाहिए, बट रूम ही जरूरी है। फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमें होटल मिल गया है और ये होटल हमने सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए लिया है, कपड़े चेंज करने के लिए। हमें यहाँ पर कपड़े चेंज करने हैं, तैयार होना है और यहाँ से तैयार होकर निकलना है रिसेप्शन के लिए।